देखिए बच्चे, आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ। देखिए हमारे पास एनडीए 2018 का एक क्वेश्चन जिसमें बोला तीन ग्रुप है, जिसमें पहले ग्रुप में तीन गर्ल एक बॉय है, दूसरे ग्रुप में दो गर्ल दो बॉय है, तीसरे ग्रुप में एक गर्ल और तीन बॉय है, और हमें तीनों ग्रुप में से एक एक चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है रेंडमली, और वो जो तीन चिल्ड्रन जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें एक गर्ल और दो बॉयज हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक गर्ल और दो बॉयज, यानी ऐसा हो सकता है गर्ल इसमें से मिले और बॉय इन दोनों ग्रुप में से ले ले, तो एक गर्ल दो बॉय हो गए, या फिर हम गर्ल इसमें से ले ले, बॉय यहाँ से ले ले और यहाँ से बॉय ले ले, तो फिर हो गया एक गर्ल दो बॉय। फिर हम तीसरा केस क्या कर सकते हैं, गर्ल यहाँ से ले ले, फिर बॉय यहाँ से ले ले और बॉय को यहाँ से ले ले, तो ये तीन केस बन सकते हैं और हम सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप देखिए इसमें से गर्ल को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। यहाँ से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4। यहाँ से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/32। इस पार्ट का आ गया आंसर। इसमें से देखिए इस वाले ग्रुप का, इस वाले सिलेक्शन का क्या आंसर आएगा, इसमें से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। यहाँ से गर्ल को लेने की प्रोबेबिलिटी 2/4। यहाँ से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी 3/4। आंसर क्या आ जाएगा, 3/32। यहाँ से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। यहाँ से बॉय को लेने की प्रोबेबिलिटी 2/4। यहाँ से गर्ल को लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कट के अगेन कितना आ जाएगा, 1/32। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इन दो तीनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 13/32, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2021 का, जिसे बोला कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ ई एंड एफ डिनोट अकरेंस ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस एंड सेकेंड टॉस। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, क्योंकि ये फंक्शन ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक क्वाइन पर हेड आना या टेल आना दूसरे क्वाइन के हेड आने टेल आने पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्योंकि ये ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 प्लस में 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा 2/2, यानी कि 1 - 1/4, यानी 3/4 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2020 का, जिसमें बोला गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फरवरी ऑफ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडे। लीप ईयर वाले फरवरी में कितना दिन होता है, 29 डेज, तो 4 संडे तो होगा ही होगा। इसमें बोला 5 संडे हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब 29 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन वो क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7ों दिन में से कुछ भी हो सकता है, तो संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7। उसी तरह मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/7। ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/7 ही होती है, क्योंकि वो जो 7 दिन है वो 7 दिन कोई भी दिन हो सकता है। देखिए हमारे पास एनडीए 2020 का एक क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया एक कमेटी हमें बनाना है 3 लोगों का, कहाँ से, इस ग्रुप में जिसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी हमें कि उस ग्रुप के अंदर जो हम 3 लोगों की कमेटी बना रहे हैं उसमें 2 बॉयज और 1 गर्ल होने चाहिए, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 बॉय एंड 1 गर्ल की। तो टोटल 2 बॉयज है, उसको दोनों को लेना है, तो 2 बॉयज में से दोनों को सेलेक्ट करने का तरीका 2C2 इनटू, और 2 गर्ल में से 1 गर्ल को लेने का तरीका क्या आ जाएगा, 2C1 और अपॉन, टोटल कितने लोग हैं, 4, और उसमें से हमें कितने लोगों को लेना, 3, तो टोटल आ जाएगा 4C3। इसका आंसर आ जाएगा 1, 2C1 क्या हो जाएगा, 2, और इसका आंसर आ जाएगा 4 ही आ जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 4th ऑप्शन। देखिए हमारे पास एनडीए 2020 का एक क्वेश्चन है, जिसमें बोला है इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट नंबर, जो 10 टिकट उसमें 1 to 10 लिखा हुआ है, 2 टिकट आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर। दोनों जो टिकट निकाल रहे हैं उसमें दोनों पे क्या हो, प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमारे पास। देखिए 1 to 10 में टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7।
तो हमारे पास टोटल चार प्राइम नंबर है और हमें दो प्राइम नंबर को चुनना है, तो चार में से दो को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4C2 और अपॉन में टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 10 और उसमें से दो को सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल केस 10C2। इसे सॉल्व कर देते हैं, 4 × 3 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 10 × 9 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 से 3 जा और ये 2 जा और ये 2 से 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 upon 3 5 = 15, 2 upon 15 थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखिए हमारे पास NDA 2020 का एक क्वेश्चन जिसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6 के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी 1/3 के इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये भी वही आ जाएगा, और हमसे बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दे रखा 5/6 और ये दे रखा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 1/3, 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5/6 में से 1/6 माइनस करेंगे 4/6 यानी कि 2/3, बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब हमें चेक करना ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना पड़ता है, तब जाकर वो इंडिपेंडेंट होता था। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा 1/3, बिल्कुल सही, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होता है जिसके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना हो, यानी फाइ, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो। क्या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो है, नहीं, यहाँ तो 1/3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत, तो ओनली 1 क्या है, करेक्ट।